होश संभाला तो खुद को स्कूल कैंपस में पाया। आंखें खुली तो कंपटीशन नजर आया। अच्छे मार्क्स लाने हैं, पोजीशन बनाने हैं, खुद को प्रूफ और एस्टैब्लिश करना। मार्क्स तो आए, पोजीशन भी मिली, लेकिन जब बारी आई खुद को प्रूफ करने की, जी हाँ, उसी फील्ड में जो जिंदगी की बेसिक नीड है, खाना बनाना, वहाँ खुद को मैगी चाउमीन और ऑनलाइन पे डिपेंडेंट पाया। क्योंकि माओ के लिए खाना बनाना अ पीस ऑफ केक, बट कॉलेज ऑफिस गोइंग यंगस्टर या फिर घरों से दूर रहने वाले मेल या फीमेल के लिए डिजास्टर। क्योंकि इनके आंखों के सामने ज्यादातर वक्त लैपटॉप होता है या फिर हाथों पे मोबाइल। तो मैंने इन जैसे फ्रेंड्स को नजर में रखते हुए इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिसे मैंने नाम दिया है कुकिंग सेशन फॉर बिगनर। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेशम्स हेल्दी लाइफस्टाइल। कैसे और कौन सा खाना आसानी से झटपट बेहतरीन बने और हेल्दी भी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग, मेरा वादा है मैं आपको बेसिक खाना बनाने से लेकर एडवांस खाना बनाने के सारे तरीके अपने वीडियोस के जरिया बताती रहूंगी और आपको एक अच्छे कुक बनाने में कोई कसर ना छोड़ूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जिसके नाम सुनते ही तमाम बिगनर्स डर जाते हैं, रोटी। नहीं नहीं, मैं उस नरम आटे से फुली फुली रोटी बनाना आपको नहीं सिखाऊंगी पहले ही दिन। आज मैं जिस रोटी को बनाना आपको सिखाऊंगी, उसे मैंने नाम दिया है रोटी हरियाली। इस रोटी को बनाना आप तो क्या किसी छोटे बच्चे के लिए भी बाएं हाथ का खेल है। तो आइए जान लेते हैं इस रोटी बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। और एक खास बात, इस रोटी को आप बनाकर आसानी से बिना किसी करी के कैरी कर सकते हैं और 2 से 3 दिन तक रख कर भी खा सकते। तो आइए जानते हैं। हमें चाहिए 2 कप नॉर्मल आटा, जी हाँ होल ग्रेन आटा, 1 कप बेसन, 2 कप बारीक कटी हुई हरे धनिये की और पुदीने पत्ते। रेशियो रहेगी 50-50, यानी के आधा पुदीना और आधा धनिये का पत्ता, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा क्रश किया हुआ, जी हाँ दोनों को साथ में क्रश कर लेना है, 1/4 टीस्पून हींग, 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, और अब बारी है नमक। तो नमक के लिए मेरी खास टिप्स बिगनर्स के लिए ये है कि नमक डालने से पहले आप नमक को हल्के से गर्म कर लें। ऐसे क्या होता है, किसी भी चीज में अगर आप डालते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो खाने में राइज नहीं करता है। अब इन तमाम चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, धीरे 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 सबको मिक्स कर लेना। देखिए मैंने मिक्स कर लिया, अब बारी है इनमें पानी डालने। जैसा कि हमने इस आटे में पहले से ही हर्ब्स मिला दिया है, तो उससे ये आटा हमारा मॉइस्चर हो गया। इस जैसे आटे के लिए हमें थोड़े कम पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने लिया है 50 ml पानी। ये देखिए 1/2 कप पानी को धीरे धीरे मैं आटे में डालूंगी और एक नॉर्मल सॉफ्ट डो तैयार कर लूं। ये देखिए हमारा आटा गूंथ गया है। अच्छी रोटी बनाने के लिए इसे 10 मिनट का रेस्ट देना है। ये देखिए 10 मिनट हो गए। अब इस आटे से छोटे छोटे हमें बॉल बना लेना है, हेजल फ्री, कोई टेंशन नहीं है, आसानी से छोटे छोटे बॉल बन जाएंगे। आप चाहे तो डस्ट आटा हाथ पे ले लें। ये देखिए बॉल बन गए इजीली। अब इसे रोलिंग पिन के जरिया फ्लैट कर देना है, ना इसमें घुमाने की झंझट है ना फूलने का टेंशन। ये देखिए रोटी हमारी बेलकर तैयार हो गई। अब बारी है सेकने की, तो आप हमेशा नॉनस्टिक तवा यूज करें, ये मेरी एडवाइस है। तो ये रोटी आपसे चिपकेगी नहीं, लेकिन जिनके पास नॉनस्टिक तवा ना हो उन्हें भी मैंने बताना है कि नॉर्मल तवा को कैसे नॉनस्टिक बनाया जाए। नॉर्मल तवे को गैस पे चढ़ा दिया हमने, फ्लेम जला दी है, इस पे हल्के से हमें ब्रश से ऑयल को ग्रेस कर लेना। जैसे ही तवा गर्म हो जाए, एक नॉर्मल कपड़े को ठंडे पानी से गीला करके हमें धीरे से उसे पोंछ देना है। बन गया तवा नॉनस्टिक, यानी कि रोटी इस पर स्टिक होगी ही नहीं। यहाँ मैंने
खुद के लिए नॉनस्टिक तवा यूज़ किया है। तवा गर्म हुआ या नहीं जानने के लिए हमें तवे के ऊपर हल्के से पाउडर आटा डस्ट करना है। जैसे ही आटे का कलर चेंज हो जाता है हमें समझ लेना है कि हमारा तवा गर्म हो गया है। अब फ्लेम को सिम कर दीजिए और इस रोटी को धीरे से तवे पे डालकर 2 से 3 सेकंड वेट कीजिए ऊपरी सतह सूखने तक। ये देखिए जैसे ही ऊपरी सतह सूख जाए किसी भी करछी की मदद से हमें उसे फ्लिप कर देना और फ्लेम को मीडियम हाई कर देना है, फुल नहीं। फिर देखिए इसके निचले सतह पे जैसे ही ब्राउन स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं वहाँ हमें हल्के से इस ब्रश के मदद से ऑयल ग्रेस करना है और करछी से धीरे धीरे घुमा देना है। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ भी करना है और ये तैयार हो गई हमारी रोटी। देखिए कितनी सॉफ्ट है। कमाल की बात तो ये है कि आप इस रोटी को बनाकर 2 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं और इजीली कैरी कर सकते हैं किसी भी पिकल या अचार के साथ, है ना। ये रोटी हरियाली कमाल की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखना और ताकि मैं इस तरह की वीडियोस और भी आपके लिए बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।